डॉक्टर राकेश पाठक, कहा जाता है कि कांग्रेस कभी कभी खुद का हिट विकेट करने में भी सानी नहीं है उसका। बनी बनाई चौसर को सबसे ज्यादा बिखेरना भी कांग्रेस को आता है। तो जिस हिसाब से राजनीति हो रही है, कभी कभी राहुल जी बयान दे देते हैं कि उस राहुल को मैंने मार दिया है, मेरा सत्ता से कोई मतलब नहीं है। ये बयान बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप राजनीति में तो आपको 100% 24 घंटे राजनीति करनी होती है। तो ये दार्शनिक वाला भाव जो है राहुल गांधी का, ये भी कभी कभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आता है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा में अपने एक मजबूत नेता की छवि स्थापित की है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल सकता है। ये इतिहास बनाया उस आदमी ने। ठंड में जैकेट पे, हाफ टी शर्ट पे उसने दिखा दिया है कि वो तपस्वी जैसी जिंदगी जीने में यकीन कर सकते हैं। और हमारे डिप्टी सीएम ने तो उस पर एक टीम बनाने को कहा था कि हम शोध करेंगे कि कोई व्यक्ति इतनी ठंड में टी शर्ट में कैसे कर सकता है। वो शोध रिपोर्ट आई या नहीं आई ये मुझे पता नहीं, क्योंकि अभी तक तो कहीं छपी नहीं वो रिपोर्ट। लेकिन डॉक्टर राकेश पाठक, बड़ा सवाल यही है जो श्रीलम जी ने भी कहा, उमाकांत जी ने भी कहा, राहुल गांधी आज जब गए तो इतना भीड़, इतना शोर रहे की जरूरत क्या थी? जरूरत मुख्यमंत्री हो या भीड़ हो, राहुल गांधी अपने कद से बड़ा कद क्यों कौन दे रहे हैं कांग्रेस में? तो अकेले जाते वहां पे, बढ़िया होता किसी और को लेके जाएंगे तो प्रेशर के। मुझे नहीं लगता कि अब राहुल गांधी से बड़ा कद कांग्रेस में किसी सीएम का बचा है कि जिनको आप लेके जाएंगे या भीड़ का बल लेके बचाएंगे। राहुल गांधी को तो अकेले मुकाबला करना चाहिए। और डॉक्टर श्रीलम जो कह रहे हैं, आपको क्या लगता है, राहुल गांधी अब कर्नाटक में डेरा परमानेंट डालेंगे या जैसी उनकी नेचर है नहीं डालेंगे? क्रमशः आते हैं संजय जी। राहुल गांधी क्या करेंगे हम नहीं जानते, पर दो बातें हैं। एक तो उमाकांत जी ने कहा कि बीजेपी सॉरी सीबीआई तोता थी यूपीए सरकार के समय, बिल्कुल ठीक कहा। और सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे का तोता कहा था। एक अंतर हुआ है 9 सालों में, वो जो पिंजरे में बंद तोता था वो गोद में जाकर बैठ गया सत्ता की। तो स्वाभाविक है, नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री ने सीबीआई की आज तारीफ की, उसके कसीदे पढ़े, पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पिछले 9 सालों में सीबीआई, ईडी, आईटी, एनआईए, ये सारी एजेंसियां गैर भाजपा शासित राज्यों में गैर भाजपा दलों के नेताओं के ऊपर छापा मारने में व्यस्त हैं। तो बिल्कुल ठीक कहा मोदी जी ने, बहुत अच्छा काम कर रही है सीबीआई, आगे भी ऐसा करती रहे ऐसी उनको उम्मीद होगी। दूसरी बात, सुनीलम जी ने अभी कहा कि राहुल गांधी समय से पहले कुछ कई बार कुछ चीजें कह देते हैं, ये बिल्कुल सही बात है। पिछले 7-8 सालों में अगर हम देखें कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि राहुल गांधी ने समय से पहले देश को आगाह करने के लिए कह दी, चाहे चीन का मसला हो, चाहे 2020 में कोरोना की आमद से पहले का उनका वो ट्वीट 31 जनवरी 2020 का, आप सबको याद होगा, महंगाई का मुद्दा हो, जीएसटी का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दे सचमुच राहुल गांधी समय से पहले देश के सामने रखते रहे हैं। यही हुआ अडानी के मुद्दे पर। डॉक्टर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने समय से पहले कह दिया था, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट उसके बाद आई। तो देखा जाए तो राहुल गांधी जो आशंकाएं व्यक्त करते हैं, जो खुलासे कर देते हैं, या संभावनाएं भी हम कह सकते हैं जाहिर करते हैं, वे अंततः सही सिद्ध हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस वक्त राहुल गांधी जो कर रहे हैं या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो कर रही है उसकी रणनीति सही है या गलत, उससे उन्हें नफा होगा या नुकसान, ये उनकी पार्टी जाने। लेकिन दूर बैठकर हम लोग एक प्रेक्षक के रूप में जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि ये प्रोपेगेंडा का युग है संजय जी। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी एक बड़े प्रोपेगेंडा विस्फोट की उपज हैं, प्रोपेगेंडा तंत्र के जरिए ही वे यहां तक पहुंचे हैं। रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने की कला में इतना महारत हासिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को कि जब मोदी सरनेम की लड़ाई हुई तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा देश में जो अमला है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हर दूसरे दिन ओबीसी का नाम लेकर कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने ओबीसी का अपमान किया है, पूरी पार्टी यही कह रही है। बहुत साधारण सी बात है जो सुनील जी ने भी कहा और शायद रविकांत जी ने भी कहा था, रविकांत जी ने कहा था कि ओबीसी, उन तीनों में से तो कोई ओबीसी है ही नहीं जिनके नाम राहुल गांधी ने लिए थे, जो भगोड़े हैं, प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा मैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने जो तूमार बांधने की पूरी कोशिश की है कि राहुल गांधी का बयान एक वर्ग विशेष, एक पूरे समुदाय के अपमान के रूप में स्थापित हो जाए, इसके लिए उनका पूरा
मंत्रिमंडल लगता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, सारे प्रवक्ता लोग आरोप लगाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अब कांग्रेस ने भी यही रणनीति अपनाई है कि हम भी उतना ही बड़ा शोर उठाएंगे। अगर अदालत में पेशी के लिए जाना है तो पूरे लिमे के साथ तीन तीन मुख्यमंत्री, उनके पास गिने चुने तीन ही मुख्यमंत्री बचे हैं, प्रियंका गांधी एक उनके पास एक आइकन है, उन्हें लेके जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है ये जो शोर उठाने की प्रवृत्ति है भारतीय राजनीति में, इसकी बहुत बारीकी से पड़ताल कांग्रेस ने कर लिया। उसे लगने लगा है कि जितना करो उससे ज्यादा ढिंढोरा पीटो, जितना विक्टिम कार्ड खेला जा सकता है उस विक्टिम कार्ड को खेलने के लिए ही राहुल गांधी की जमानत के लिए इतने दिन प्रतीक्षा की कांग्रेस पार्टी ने। चाहते तो दूसरे तीसरे दिन लगा देते फरियाद, लेकिन अमित शाह जी देश के केंद्रीय गृह मंत्री चिंतित हो गए, एक तरह से वे गुहार करने लगे, अरे भाई राहुल गांधी अपील तो करो जाकर। जितने दिन तक उन्होंने अपील नहीं की, ये टेम्पो बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस ने की है। जहां तक कांग्रेस के कर्नाटक चुनाव में जूझने का प्रश्न है, हम सब लोग देख रहे हैं रिपोर्ट, जिसे कुछ मित्र गोदी मीडिया कहते हैं, उसके सर्वे भी बता रहे हैं कि कांग्रेस वहां बेहतर स्थिति में। हम नहीं जानते नतीजे क्या होंगे। ऐसे में डॉक्टर सुनीलम की बात से सहमत हूं कि कांग्रेस को और राहुल गांधी को कोई कोशिश, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहिए कर्नाटक जाने के लिए, अगर उसे चुनावी राजनीति में बने रहना है। 2023 के नवंबर माह के तीन विधानसभाओं के चुनाव अभी, और उन्हें हिंदी बेल्ट के, और फिर 24 आपके सामने है। उसके लिए राहुल गांधी को अब एक दिन भी घर बैठने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जाने, कांग्रेस जाने, हमारी भला से वे घर बैठ जाए। आपने कहा राहुल गांधी गलती करते, मैं आपकी डिबेट में और कई जगह हर बार कहता हूं कि कांग्रेस को दुश्मनों की जरूरत नहीं है। हुए तुम दोस्त जिसके, दुश्मन उसको उसका आसमा क्यों हो? तो कांग्रेस तो अपनी दुश्मन है, कांग्रेस के नेता अपने दुश्मन है, उन्हें दुश्मनों की जरूरत नहीं है। लेकिन इसके बावजूद एक संक्रमण काल से गुजरती हुई कांग्रेस ने राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद, और बार बार इस बात को मैं रेखांकित करना चाहता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस ने एक बड़ी राजनीतिक पहलकदमी की है। दलित विमर्श देश के सामने रखा, और खुद खड़गे लगातार अपने तेवरों से ये साबित करने पर करने में सफल रहे हैं कि उनका चयन करके राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ने, या कांग्रेस के नीति निर्धारक जो भी तत्व हैं, उन लोगों ने कोई गलती नहीं की है। राहुल गांधी के खाते में राजनीतिक सफलताओं की प्रतीक्षा है। उन्होंने यात्रा कर ली 4,000 किलोमीटर की, बहुत अच्छा किया। कोर्ट में वे लड़ रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अडानी के मुद्दे पर मुखर है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब तक आप अपने अंक सूची में विधानसभा चुनावों की जीत और अंत में लोकसभा चुनावों में कोई सम्मानजनक आंकड़े हासिल नहीं करेंगे, तो वो जो संजय शर्मा जी कह रहे हैं तपस्वी की भूमिका, तो फिर आप तपस्वी की भूमिका में रहिए। अगर राजनीति करनी है तो राजनीति के तौर तरीकों से ही होगी, उसके सारे औजारों का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। वैसे औजार इस्तेमाल मत कीजिए जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, हिंदू मुस्लिम वाली, नफरत वाली, कब्रिस्तान शमशान वाली। लेकिन बाकी जो प्रोपेगंडा किया जा सकता है छवि बनाने के लिए, उस सब में कांग्रेस को लगना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस उस दिशा में बढ़ रही है। आज की तारीख में राहुल गांधी निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी के सामने एकमेव प्रतिपक्षी नेता के रूप में खड़े होते दिखाई दे रहे हैं। वे कितना कितनी देर खड़े रह पाएंगे, उनका खड़ा रहना नरेंद्र मोदी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होगा, ये चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन जब देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री अंडरवर्ड में इस्तेमाल होने वाले शब्दों का इस्तेमाल करने लगे, जब प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि उसकी छवि को नष्ट करने के लिए सुपारी दी गई है, तो लगता है कि प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी बेचैन है कहीं ना कहीं। क्योंकि अगर उन्हीं की परिभाषा से चले संजय जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक डिबेट में पूछा है, अगर माननीय मोदी जी की सुपारी प्रतिपक्ष ने दी है, तो आजादी के बाद अब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी, लाल कृष्ण आडवाणी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, ये सब लोग नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह की सुपारी लिए हुए थे क्या? उन्हीं की परिभाषा पर कसना चाहता हूं। अगर सत्ता में बैठे व्यक्ति के की रीति नीति की आलोचना करना, उसकी छवि पर प्रश्न पैदा लगाना, सुपारी लेना है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी 15 अगस्त 1947 से अब तक जितने गैर भाजपा, गैर जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हुए हैं, उन सब की सुपारी लिए हुए थी क्या? लेकिन ये खेदजनक बयान है, खेदजनक भाषा है,
देश के चुने हुए सभ्य समाज के लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री की ये भाषा शोभा नहीं देती, हमें व्यथित करती है। प्रधानमंत्री को बचना चाहिए ऐसी भाषा से, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भाषा का इस्तेमाल ये बताता है कि अंदर से वे डरे हुए हैं, असुरक्षित हैं भविष्य की राजनीतिक सफलताओं को लेकर। जी संजय जी,